नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन बलूनी एंड आप देख रहे हैं ऑटो मॉडल्स। आज का वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है, पता है क्यों? क्योंकि होंडा ने लॉन्च कर दी अपनी एक्टिवा 125 एच स्मार्ट। अब आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको इसके वेरियंट्स के बारे में बताना चाहूंगा। पहले तीन वेरियंट्स आपको देखने को मिलते थे होंडा एक्टिवा 125 में, लेकिन अब चार हो चुके हैं। टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट ये है जो है एच स्मार्ट। इससे पहले आपको देखने को मिलेंगे ड्रम वेरियंट, ड्रम एलॉय वेरियंट एंड डिस्क वेरियंट। तो टोटल चार वेरियंट्स हो गए हैं और जो ये वेरियंट है इसकी प्राइसिंग मात्र 2000 रुपए ज्यादा है इसके डिस्क वेरियंट के कंपैरिजन में। तो 2000 रुपए में आपको एक्स्ट्रा पे करके ऐसा क्या मिलता है, आज वही सब आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है जिसके लिए आपको 2000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने हैं ओवर द रेगुलर डिस्क वेरिएंट, ये है हुआ है कि यहाँ पर आपको स्मार्ट की मिल जाती है, सामने होंडा की बैजिंग है और पीछे आपको उसमें कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप दबाएंगे तो आपके जो है हजार्ड लैंप जल जाएंगे, आपको पता लग जाएगा आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है। और इस बटन को दबाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि आपकी गाड़ी ऑन हो जाएगी, पर असल में ऐसा कुछ है नहीं। असल में होगा क्या, आप देख सकते हो जैसे मेरे पास हाथ में कोई चाबी नहीं है और गाड़ी लॉक्ड है। अब मेरे को इसको ऑन करना है, चाबी जेब में है, तो गाड़ी को अनलॉक कैसे करेंगे? आप यहाँ पर निशान देख सकते हो, नीचे भी फिलहाल लॉक स्टेट में है। यहाँ पर जो निशान है यहाँ पर अगर आप इसको लाएंगे तो आपकी गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। इसको ऐसे प्रेस करके आपने यहाँ पर ले आना है तो आपका हैंडल अभी फ्री हो गया। अब अगर आपको अपनी डिग्गी एक्सेस करनी है, फ्यूल लिड एक्सेस करनी है, तो यहाँ पर आपका इसका निशान बना है, आप इसको अगेन यहाँ पर ले आएंगे तो आप अपने यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो, चाहे सीट को चाहे फ्यूल लिड को। और अगर इग्निशन आपने ऑन करनी है तो इग्निशन ऑन करने के लिए आपने आई पे ले आना है, आपकी जो है गाड़ी का इग्निशन ऑन हो जाएगा। और गाड़ी ऑन कैसे करोगे आप, इस साइड का ब्रेक दबा के आपने ये बटन दबाना है और आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल इसलिए नहीं स्टार्ट हो रही है बिकॉज अभी साइड स्टैंड पे लगी हुई है। साइड स्टैंड में इंटीग्रेटेड है इसका इंजन इनहिबिटर, अगर आपका साइड स्टैंड लगा रहेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ये एक अच्छा सेफ्टी फीचर है जो अब नॉन गेट टू व्हीलर्स में भी आने लगा है। एक और चीज जो आपको यहाँ चाबियों के साथ प्रोवाइड की गई है वो है इस तरीके के दो बारकोड्स आपको मिल जाते हैं। अब इनका फायदा क्या है, अगर आपकी चाबियां खो जाती हैं तो आपने इन बारकोड्स की मदद से दो और चाबी आप रिट्रीव कर सकते हैं। पर इतना ध्यान में रखिएगा कि इस गाड़ी के ईसीएम पे सिर्फ चार चाबी मैप हो सकती है, तो अगर आपकी जो बाकी दो आपने और ली है वो भी खो गई तो आपका कंप्लीट ईसीएम चेंज होगा गाड़ी का, जो कि एक्सपेंसिव प्रोसीजर हो सकता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ चाबी के साथ प्रोवाइड होती है वो कुछ इस तरीके का लीवर मिलता है होंडा की बैजिंग के साथ, और पीछे आपका ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ है। अगर गलती से आपकी चाबी डिग्गी में रह जाती है तो आपको डरना नहीं है, यहाँ पर आप साइड में आएंगे तो यहाँ पर एक मैकेनिज्म आपको दिया गया, अपनी चाबी को आप यहाँ पर इंसर्ट करके अनलॉक कर सकते हो अपनी डिग्गी को और अपनी चाबी को आप वापस रिट्रीव कर सकते हो। तो बहुत ही सही हो जाता है, अगर आपको चाबी कभी कभार रह जाती है डिग्गी के अंदर तो डरना बिल्कुल नहीं है, इस समस्या का भी समाधान यहाँ पर किया गया है। बाकी मोटे मोटे तौर पर इसमें फीचर्स आपको क्या क्या मिलते हैं, इसमें आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक्स हैं, और कॉस्मेटिकली आपको यही सब चेंजेस देखने को मिलते हैं इस वेरिएंट के अंदर। असल में जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, क्या पावर है, क्या टॉर्क है, क्या माइलेज रहता है, किस तरीके की फ्यूल एफिशिएंसी निकालती है, वो सब चीजें सेम रहने वाली है। अगर आपको डिटेल्स जाननी है, टेक्निकली स्पेसिफिकेशन जाननी है इस गाड़ी की, तो आप जो है इस वीडियो के बाद हमारे लिंक को चेक कर लेना, आपको वो मिल जाएगा, डेडिकेटेड वीडियो है, वहां पर आप देख सकते हो कि इसकी एक्चुअल पावर फिगर्स हैं क्या। बस एक ही कैच आपको देखने को मिलेगा, जो हमने पुराना वीडियो कर रखा है उसमें गाड़ी की पावर वगैरह तो सेम है, बस इंजन इसमें अपडेट हो चुका है, अब ये E20 फ्यूल कंपैटिबिलिटी के साथ आ चुकी है, खाली ये चेंज है इंजन में, बाकी पावर फिगर सारी सेम है। अब इसकी प्राइसिंग क्या रखी गई है, इसकी प्राइसिंग रखी गई है 89,000 रुपीज एक्स शोरूम। अब इस प्राइसिंग के ऊपर 2023 के अंदर हमारे हिसाब से काफी ज्यादा उम्दा ये टू व्हीलर है, इसके रीजन मैं आपको बताता हूँ। 2023 के अंदर फुल्ली अपडेट होकर आपको मिल रही है, चाहे मैं इंजन की बात करूँ चाहे इसके फीचर्स की बात करूँ, एंड 125cc सेगमेंट के अंदर फर्स्ट इन सेगमेंट बन जाती है ये सारे फीचर्स आपको ऑफर करने वाली। आज के जमाने में जहाँ लोग नई चीजें प्रेफर करते हैं, ये आपको एक नएपन का एहसास देती है और आपकी डेली राइड को और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाती है। एंड अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जाननी है तो इस वीडियो के बाद आप लिंक चेक कर सकते हो, वहां पर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी इसके बारे में। एंड ऑल्सो आप एक्टिवा एच स्मार्ट का वीडियो भी चेक कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों लाइक करना जरूर, कॉमेंट्स में बताना अपने व्यूज इस गाड़ी के बारे में, और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को ताकि आप ऐसी वीडियोस बिल्कुल मिस ना कर पाओ। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।